नमस्कार, हंगामा न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी के सारनाथ स्थित तिब्बती शिक्षण संस्थान के स्थापना दिवस व स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर परम पावन दलाई लामा के स्वागत के लिए पूरा संस्थान तैयार है। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा, साथ ही संस्था के सेंट्रल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण होगा। वहीं कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी देने हेतु गुरुवार को संस्थान के संबोध भवन में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि समारोह में दो कार्यक्रम महत्वपूर्ण होंगे, एक सेंट्रल लाइब्रेरी का लोकार्पण, दूसरा सम्मेलन जिसमें 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी। क्या पूरा कार्यक्रम सबसे पहले दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, माइंड इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट एंड मॉडर्न साइंस करके दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के बाद फिर पहले जनवरी के दिन हमारा स्वर्ण जयंती समारोह है। और ये मुख्य रूप से दो इवेंट्स के लिए आ रहे हैं। और कौन कौन लोग आ रहे हैं? अब इसमें विद्वान तो बहुत लोग आ रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान और साइंटिस्ट भी आ रहे हैं और दार्शनिक तो है ही है, भारतीय ये दार्शनिक कई यूनिवर्सिटीज हैं, पूरे मुंबई से, चंडीगढ़ से, बेंगलोर से, फिर दिल्ली से, हर जगह से आ रहे हैं और पार्टिसिपेंट के रूप में भी और वक्ता के रूप में भी आ रहे हैं। कुलपति जी, मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो कितने बजे आएंगे? क्या अगर कल के कार्यक्रम की बात करें तो क्या क्या है? कल कितने बजे? 12 बजे तक यहाँ पहुँचना चाहिए, यदि पूरा जो है समय पर विलम्ब ना हो। किस तरह की तैयारी आप लोग 12:30 बजे जब पहुंचेंगे तो क्या कार्यक्रम? नहीं नहीं, इसके बाद कल कोई कार्यक्रम नहीं है और परसों सुबह फिर 9 बजे से 12 बजे तक का कॉन्फ्रेंस है। टोटल 5 दिनों का कार्यक्रम होगा? नहीं नहीं, 3 दिन। 3 दिन। कौन कौन विद्वान आ रहे हैं यहाँ पे तैयारी? वाराणसी से? वाराणसी से तो हमारे काशी विद्यापीठ से है, हमारे BHU से है, संस्कृत यूनिवर्सिटी से है और फिर इन 3 विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त जो बाहर के विद्वान बनारस में रहते हैं और फिर दूसरे एक जो विश्वविद्यालय से साक्षात एक संबंधित नहीं है, ऐसे भी कई परंपरागत विद्वान हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं और बाहर से भी, जैसे मैंने कहा पूरे देश से। तैयारियां किस तरह से की गई हैं उनके स्वागत को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था किस टाइप की है जी? सुरक्षा व्यवस्था किस टाइप की है? तो हम लोग पूरी तरह से ये अपने जितनी क्षमता है उस के बल पर कर रहे हैं और फिर जिला अधिकारी के स्तर पर भी तैयारी हो रही है। 2013 में इसके पहले परम पावन जी आए थे बनारस। परम पावन जी पहली बार आ रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद भी हैं मोदी जी के कार्यकाल में, वो पहली बार बनारस आ रहे हैं। तो जब दलाई लामा जी बनारस में मौजूद रहेंगे, अपना संदेश दे रहे होंगे, आपको क्या लगता है दुनिया भर की नजरें टिकी रहेंगी बनारस पर? ये एक महत्वपूर्ण शहर है, ये तो मैंने पहले ही बताया और यहाँ परम पावन जी का आगमन पहली बार नहीं है, पहली बार तो 56 में हुआ था, उस समय आए थे और फिर परम पावन जी का यहाँ पुनः पुनः आगमन तो होते रहे हैं। तो फिर एक सांस्कृतिक नगर और एक आध्यात्मिक नगर और इस दृष्टि से महत्व तो है। मोदी जी का जो फैक्टर है, क्योंकि डोकलाम में जिस तरीके से चीन पहली बार पीछे हटा, पहली बार चीन भारत के साथ बराबरी में आकर बातचीत कर रहा है और आपने बार बार एक टर्म यूज किया, आक्रमण करके चीन ने तिब्बत का बहुत नुकसान किया है, तो चीन को पता है कि दलाई लामा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से संबोधन कर रहे हैं, उसका कितना असर होगा वैश्विक दुनिया में? कोई संदेश भी होगा?
संदेश होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका महत्व तो है। और डोकलाम के समय परम पावन जी ने ये पत्रकारों का इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वहाँ काफ़ी टेंशन था, तो फिर पूछा गया कि ये क्या होगा, ये सब तो परम पावन जी ने कहा कि ये कुछ होने वाला नहीं है, एक टेंशन मात्र है, न चीन तिब्बत को हरा पाएंगे, वो पूरी तरह से नष्ट कर पाएंगे, न पाएंगे, अपने आप एक समझौते के उस पर आना है, ये अपने आप ये सुलझ जाएगा, ये उन्होंने कहा था, ऐसे ही हुआ है। ये दो दिन का इंटरनेशनल सेमिनार है, इसमें भारत के पुरानतम शहर है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के समय से ही, उस समय भी 2500 वर्ष पहले भी पुराना था, तो फिर आज क्यों नहीं, बहुत ही पुराना ही है। और ये पुराना होने का कई, पुराना होते हुए कई चीज़ों का महत्व रखते हैं। ये एक शहर ऐसे हैं जो एक मेल्टिंग पॉट की तरह ज्ञान के हर ये परंपरा से, भारतीय ज्ञान परंपरा के हर दिशाओं से लोग विद्वान यहाँ, विद्वान साधक सिद्ध लोग यहाँ रह करके आपस में आदान प्रदान, सलाह मशूरा और फिर संवाद करते हुए यह एक शहर ऐसे रही है, आज भी है, कि एक मेल्टिंग पॉट के तरह ज्ञान के विभिन्न जो एक पहलू हैं उन सब का यहाँ सम्मिलित होकर के एक देने का एक कार्य कर रहा है, करते आ रहे हैं। तो इससे बहुत ही एक महत्वपूर्ण शहर में कई विश्वविद्यालय हैं, और इसका हमें सौभाग्य है कि ये छू का एक साल 100 वर्ष पूरा हुआ था, है ना, और अब इसका 50वां हो रहा है, तो फिर इसी तरह काशी विद्यापीठ का है, इसी तरह संस्कृत यूनिवर्सिटी का है, तो और इसके अलावा फिर परम्परागत गुरुकुल और फिर इस तरह के कई ऐसे संस्थान हैं, संस्थाएँ यहाँ प्राचीनतम संस्थाएँ हैं। तो यहाँ हम लोग इस गोल्डन जुबली के अवसर पर उसी उपलक्ष्य